he's very fantastic. He's fantastic. He's fantastic. Assalam alaikum, mere Pakistani bhai log aur Hindustan ko bhi namaskar, sasri akal aur haste muskurate raho khushiyon se aur zindagi choti si hai isme jitna ho sake enjoy karo aur हमें तो अपनों ने लूटा सोशल मीडिया वालों ने वरना न्यूजीलैंड में कहां दम था कि हमें सेमीफाइनल से बाहर कर देता। दोस्तों ये एक नाम है V7 पिक्चर्स, ये आप देख रहे होंगे V7 पिक्चर्स, इनका जो टाइटल था मौका मौका इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल्स कार्ट ले ट्रैवल, मतलब कोई ट्रैवल एजेंसी को भी इन्होंने एडवर्टाइजिंग की थी और वीडियो बनाई थी इन्होंने चार दिन पहले जब न्यूजीलैंड और इसका इंडिया का मैच था। इसकी पहले बातें सुनते हैं फिर उसके बाद बात करें। जी हाँ दोस्तों, आपने सुनी इन स्टूपिड जाहिल लोगों की बातें, ऐसे कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस, और हमेशा ही ओवर कॉन्फिडेंस में इंसान मारा जाता है और यही हुआ इंडिया की टीम के साथ। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, आपने देखा होगा,
ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इंडिया मैच हारा है, और कोई वजह नहीं थी। पूरे इंडिया में ओवर कॉन्फिडेंस था, भारतीय मीडिया, भारतीय सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब मिलकर यही कह रहे थे नरेंद्र मोदी दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो पाकिस्तान इंडिया अब एक बार फिर वर्ल्ड कप लेके आएगा, विराट कोहली वर्ल्ड कप लेके आएगा। और इन्होंने भी एक दिन पहले वीडियो ये अपलोड की कि 7 बार हमने पाकिस्तान को हराया है, 7वीं बार अब इनको हराने जा रहे हैं। और उसके बाद जो कुत्तों वाली की है इंडिया की न्यूजीलैंड ने इंसान को कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए। कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपकी टीम जीत सकती है, लेकिन जब आप ओवर कॉन्फिडेंस पे जाएंगे तो फिर कुत्ते वाली होती है इंसान की। शायद इन्हीं के साथ वही कुत्तों वाली हुई है, उसके बाद नज़र नहीं आ रहे ये लोग। अब जब हारा है इंडिया तो उसके ऊपर तो कोई वीडियो नहीं बनाई, वो वीडियो भी बनाओ ना ज़रा किस तरह से न्यूजीलैंड ने धोया है। और हमेशा हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तानी जो घटिया सोच वाले लोग हैं ना, जैसे न्यूजीलैंड के आगे ये झुका हुआ था ना नीचे, ऐसे झुके रहोगे तुम लोग। 1000 साल तक हमने हुक्मरानी की है, हुक्मरानी हमारी चलती रहेगी तुम लोगों के ऊपर। गोरों की भी हुक्मरानी तुम पर रहेगी और हमारी भी रहेगी। इट इज फैंटास्टिक।